वालेकुम सलाम। औरतों को ख्याल आ गया सवाल का? हमारी बारी नहीं आ रही थी। हैं? हमारी बारी नहीं आ रही थी। अच्छा, बारी तो आपको बार बार कह रहा हूँ, आप सुनती ही नहीं मेरी बात। मैं तो कई दफा कह चुका हूँ कि मस्तूरात नहीं बोल रही। जज़ाकअल्लाह जी। जी, नए अहमदियों और वक्फे नौ बच्चों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र, क्या रब्बा के अलावा दीगर ममालिक में भी जामिया अहमदिया की तरस के अदारे कायम किए जाएंगे? वक्फे नौ के नहीं, जामिया अहमदिया तो मुल्कों में कायम नहीं किए जा सकते, क्योंकि वक्फे नौ के बच्चे बेशुमार फैले पड़े हैं। अब जर्मनी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक वक्फे नौ के बच्चे एक जगह कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? और फिर मुल्की कानून भी इजाज़त देते हैं कि नहीं? इंग्लैंड में भी यही हाल है, इसलिए वक्फे नौ के बच्चों के लिए जो निसाब बनाया जाता है वो सारी दुनिया में भिजवा दिया जाता है। चौधरी मोहम्मद अली साहब इसके इंचार्ज हैं, और जो भी वक्फे नौ का निसाब बनता है वो बच्चों में तकसीम किया जाता है। वो फिर माँ बाप माओं का ख़ास तौर पर और बाप का भी फ़र्ज़ है कि जहाँ तक हो सके वक्फे नौ का निसाब बच्चों को खूब पढ़ा दें। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह।